सबको जय मसीह की। परमेश्वर की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। और आज से हमारा ट्रेनिंग स्कूल में गलातियों को सीखेंगे, तो इसके बाद रोमियों को सीखेंगे। तो इसलिए ये गलातियों और रोमियों ये दोनों किताब विश्वास की नींब बोलते हैं। तो इसलिए ये पाव चारुर सब्जेक्ट है। तो इसलिए आज से ये गलातियों को सीखेंगे। तो पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए। हे प्रभु, भाव धन्यवाद करता हूँ। तो इस समय हमको दिया है, तो गलातियों को सीखने के लिए अच्छा मौका दिया है। तो हमको मदद कीजिए ताकि अच्छी तरह से सीख सकें। तो ध्यान बुद्धि दे दीजिए यीशु जी के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो आज हम पहले ये परिचय में देखेंगे। ये गलातियों ने हम क्या सीखते हैं। तो हम ये बोलते हैं जस्टिफिकेशन बाय फेथ, ये विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। तो उसके बारे में हम सीखते हैं। सो गलातियों रोमियो दोनों किताब इसके बारे में ध्यान से सिखाते हैं। तो इसलिए हम पढ़ेंगे। कभी कभी हम सोचते हैं हम कैसे उद्धार पाते हैं, सिर्फ विश्वास रखने के द्वारा या विश्वास रखते हुए अच्छा काम करने के द्वारा कैसे उद्धार पा सकते हैं। तो हम सीख लिया यीशु जी हमारा पाप माफ करने के लिए तो क्रूस पर अपना जीवन दे दिया है। ऐसा ही क्यों होना चाहिए था। हम ये सोच आते हैं, ये सवाल भी आते हैं। ये बहुत पहले से 2000 सालों के पहले यीशु जी इस दुनिया में ये कलीसिया को स्थापित किया था अपने चेलों के द्वारा। ये जी उठने के बाद स्वर्ग चला गया, लेकिन उनका चेले इस दुनिया में कलीसिया स्थापित कर दिया और विश्वास रख दिया। तो उस समय से ये कलीसिया में ये कुछ सवाल आ रहा था, क्योंकि कुछ समय के बाद विदेशी लोग भी, यहूदियों लोगों को छोड़ के विदेशी लोग भी कलीसिया में आने लगा। और उसके बाद कुछ लोगों ने बताया था हमको यीशु जी में विश्वास रखना जरूरी है, लेकिन यहूदियों के ये कस्टम के अनुसार कुछ चीजें के मानना जरूरी है, खास करके ये सर्कमसीजन। ये यहूदियों को सर्कमसीजन ये खतना का कस्टम ये जरूर मानना चाहिए उद्धार पाने के लिए। इसलिए इसके बारे में बहुत वाद विवाद हुए थे। इसलिए उस समय से ये किया है वो किया है बहुत चीजें आ रहा था। तो इसलिए खास करके ये जस्टिफिकेशन बाय फेथ, यीशु जी में विश्वास रखने के द्वारा उद्धार पाते हैं, इसके बारे में हम ठीक से जानना चाहिए। और इसके बारे में तो गलातियों से हम सीखेंगे। तो क्योंकि इसके बारे में पौलुस ने बहुत बताया है। तो पौलुस ने ये रोमियों में बताया था
रोमियो एक अध्याय 16:17 उन्होंने बताया है ये सुसमाचार क्या है, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उदार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। इसलिए लिखा है विश्वास से धर्मी जान जीवित रहेगा, ये रोमियो 1:16-17 में लिखा है। इसलिए इसके बारे में पौलुस ने बार-बार बताया था, इसलिए इसके बारे में ठीक से जानना जरूरी है। लेकिन उसके बाद ये खास करके बुद्धिमान से ये दिमाग से जानना नहीं है, हमारा जीवन में विश्वास से रहना क्या है, हमारा जीवन में भी कैसे रहना, विश्वास से रहना चाहिए। इसलिए किसने बताया है ये सबसे ये जरूरी सुसमाचार क्या है, ये आपका जीवन है। इसका मतलब क्या है, हमारा ये रहने के द्वारा दूसरे लोगों से सुसमाचार सुनाना जरूरी है, और हमारा जीवन भी ये विश्वास ही से रहना चाहिए। इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की धार्मिकता हमारा बीच में प्रकट हुआ है, इसलिए हमारा जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम साथ साथ सीखेंगे। इसलिए पहले हमको ये शब्द अध्ययन वर्ड स्टडी करेंगे। ये शब्द अध्ययन को देखिए, ये शब्द अध्ययन ये ठीक से जानना चाहिए, क्योंकि ये 2000 साल पहले लिखाया है, इसलिए कुछ शब्द हम ठीक से नहीं जानते हैं। इसलिए इसके बारे में थोड़ा जानने के द्वारा ये समझ में आ सकता है। इसलिए पहले कुछ मुख्य शब्दों को हम देखेंगे, ये ध्यान से देखिए। पहले प्रेरितों अपासल, ये अपासल क्या है, प्रेरितों ये वो जो भेजा है, किसने भेजा है, आमतौर पर राजा ने कुछ व्यक्ति को भेजते हैं कुछ काम के लिए, इसलिए ये प्रेरितों क्या है, महत्वपूर्ण सेवा के लिए परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त के रूप में सोचते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो आत्मिक सामर्थ्य तथा प्रभाव के साथ होता है, जो सुसमाचार को नए स्थानों तक ले जाता है। इसलिए यीशु जी भारा ये चेलों को चुन लिया था, खास करके उन लोगों को बोलते हैं प्रेरितों। फादु में भी कुछ लोगों को नया जगह जाके सुसमाचार सुनाते हैं, कलीसिया स्थापित करते हैं, उन लोगों को भी प्रेरितों बोलते थे। लेकिन ये नेरो मीनिंग, खास करके नेरो मीनिंग वो भारा प्रेरितों को, यीशु जी के भारा चेलों को ये अपासल प्रेरितों बोलते हैं। इसलिए इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। उसके बाद यहूदीवादी जुदाइज़म, ये भाव ठीक से जानना चाहिए। ये यहूदीवादी बार बार आते हैं गलातियों में,
बार बार आते हैं, तो उन लोगों के द्वारा बहुत लड़ाई झगड़ा आता है। तो ये कौन है? यहूदी वादी, जो यहूदी मत रीति रिवाज विश्वास तथा यहूदियों के चरित्र का अनुसरण करता है। गलातियों में ये यहूदी मसीहों का उल्लेख करता है, जो सभी अन्य जाति मसीहियों को यहूदी बनाने के लिए तथा खतना सहित यहूदी व्यवस्था के सभी धार्मिक नियमों का पालन करने की कोशिश की, जो परमेश्वर के लोगों के रूप में शरीर में वचा का एक चिन्ह चिन्ह है। इसलिए ये लोग क्या बताते हैं? यीशु जी में विश्वास रखना अच्छा है, लेकिन उसके साथ तो यहूदी लोगों का वो कस्टम ये जरूर मानना चाहिए। यहूदी व्यवस्था या यहूदी व्यवस्था को मानना चाहिए, खास करके खतना ये भाव जरूर मानना चाहिए, नहीं तो उधार नहीं मिलेगा। इसलिए लड़ाई झगड़ा कुछ लोग होता है, खास करके पौलुस ने बताया है, यीशु जी में विश्वास रखने के द्वारा उधार मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ये युदाइजो यहूदीवादी बोलते हैं, यीशु जी में विश्वास रखना जरूरी है, लेकिन उसके साथ खतना भी जरूर मानना चाहिए। इसलिए नाराई नाराई भाव तो आया था। तीन तीन तो पौलुस के पूर्वज की परंपरा, पौलुस के पूर्वज की परंपरा विशेष रूप से मूसावादी फारिसियों का उल्लेख करता है। ये शब्द केवल मूसा के व्यवस्था में उद्धृत अधिकार एवं शासकारों का ही नहीं, बल्कि सिद्धांत एवं अधिकार एवं सरकारों का उपयोग करता है, तथा जो राबुनी शिक्षा तथा परमेश्वर को भी झाड़ता है। तो इसलिए थोड़ा मुश्किल लगता है, या मुझे भी ये शब्द आसान नहीं है, लेकिन ये पौलुस के पूर्वज की परंपरा यहूदी लोग बहुत पहले से ऐसा ही करते करते रहा। तो उसके बारे में बताता है। इसलिए कुछ लोग यहूदी लोगों के बीच में ये परंपरा की, उन लोगों का पूर्वज की परंपरा को मानने के लिए बहुत कोशिश करते थे, लेकिन ये सुसमाचार सुनने के बाद इसमें से थोड़ा ये क्लेश आता था। इसलिए इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद पाखंड हिपोक्रेसी, ये हिपोक्रेसी का मतलब क्या है आप जानते हैं? यदि ये पास्टर लोग घर में आराम करते हुए बहुत टीवी टीवी देखते हैं, उसके बाद बाहर चला गया, कुछ लोगों से मिला, उन्होंने पास्टर से पूछा है आप क्या कर रहे हो? तो पास्टर जी बोलते हैं, मैं विश्वास ही से प्रार्थना प्रार्थना कर रहा था, ऐसा ही बोला है। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये खाल में आराम करते हुए भाव टीवी देखते देखते रहा, प्रार्थना
प्रार्थना नहीं किया था, लेकिन कुछ लोगों बाहर लोगों से मिलकर बताते हैं मैंने भाव प्रार्थना करते करते रहा। तो ऐसा है करते हैं, ये हिपोक्रेसी, ये हिपोक्रेसी बोलते हैं पखंड। तो पौलुस ने ये पत्रस का पखंड के बारे में था क्या हुआ, ये पत्रस विदेशी लोगों के साथ खाना खा रहा था, वे लोग भी विश्वास रखते हैं लेकिन विदेशी है, इसलिए यहूदी लोग विदेशी लोगों के साथ बिल्कुल खाना नहीं खाते हैं, लेकिन वे लोग यीशु में विश्वास रखते हैं, इसलिए पत्रस उन लोगों के साथ खाना खा लिया। लेकिन बाहर से दूसरे लोग आए थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा चिंत किया, इसलिए ये बाहर उन लोगों को छोड़ के बाहर निकल गया। तो इसलिए पत्रस ने ये पखंड के अनुसार ऐसा ही कर दिया। इसलिए ये पौलुस ने उसके बारे में बताते हुए पत्रस को भाव था। तो ये देखिए उसके बाद पांच शरीर फ्लैश। तो बाइबल में कई बार ये आता है शरीर और आत्मा। ये शरीर क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। ये मनुष्यों का प्रयासों का उल्लेख करता है, मनुष्यों के प्रयासों का उल्लेख करता है। ये हमारा शरीर नहीं है, ये शब्द यूज करते हैं, लेकिन ये शरीर का मतलब क्या है, ये शरीर का मतलब मनुष्यों का प्रयास, ह्यूमन एफर्ट्स, ये अपना काम करते हुए कुछ ना कुछ खास करके उधार पाने के लिए कोशिश करते हैं, ये शरीर बोलते हैं। आत्मा क्या है, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, लेकिन शरीर अपने इच्छा के अनुसार काम करते हैं, वो शरीर है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते हैं वो आत्मिक है। तो विश्वास से करता है वो आत्मिक है। तो शरीर मनुष्यों के प्रयासों के अनुसार करता है वो शरीर है, इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। छ उसके बाद त्राणा, ये बुझे तो चुराना क्या है, ये शब्द का अर्थ वापस खरीदना। हम अपने आप को पाप के लिए बेच देते हैं जब परमेश्वर के आज्ञा मानने के भोजाय अपनी मर्जी के अनुसार करते हैं जिसकी मांस धूरी माता है, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तथा अपने मौत की कीमत पर हमें छुड़ाया एवं हमें अपने लिए खरीद लिया। ये स्लेव मार्केट के बारे में सोचना चाहिए। उस समय ये दास लोग थे, ये स्लेव है, बिल्कुल स्लेव है। कुछ लोग ये मनुष्यों को पैसा देके खरीद सकते हैं क्योंकि वो दास है, स्लेव। तो अपने सामान के सामान वो भी मार सकता था और कुछ लोगों को तो बेच सकता था, इसलिए वो स्लेव मनुष्य है, लेकिन मनुष्यों के सामान नहीं, कुछ चीज़ों के सामान तो रहता था। इसलिए
यदि मैं ये दास स्लेव बन गया है, कुछ लोग मुझे स्लेव मार्केट में ये बाजार में ये बेच दिया, कुछ लोग ये 1000 पैसा उनको दे के मुझे खरीदा, लेकिन दूसरे लोग वो पैसा उनको दे के वापस खरीदा, या 1000 ले लो उसको मुझे दे दो, इसलिए उसको तो फ्री किया, वो चुराना है। इसलिए पहले हमारा पापों के कारण वो शैतान ने हमको खरीदा, शैतान को बेचा गया, लेकिन यीशु जी ने पैसा उनको देके अपना जीवन दे दिया, पैसा देके हमको वापस खरीदा, तो फ्री किया, तो वो चुराना बोलते हैं। फिरौती, इसलिए फिरौती किया है, ये रेंसम फिरौती वो पैसा है, वो वापस वो दास को वापस खरीदने के लिए पैसा देना है, वो फिरौती बोलते हैं। तो यीशु जी का जीवन फिरौती बन गया है हमको, तो वापस खरीदने के लिए और हमको मुफ्त करने के लिए, तो यीशु जी अपना जीवन फिरौती के सामान दे दिया। उसके बाद ये थोड़ा ध्यान से रखना चाहिए, प्रायश्चित अटोनमेंट, ये अटोनमेंट प्रायश्चित के लिए हमको ये थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। आप जानते होंगे वो ये आर्क ऑफ द कवेनेंट, साक्षी पत्र के संदूक, आप जानते हैं ना। और उस समय तो ओल्ड टेस्टमेंट के समय में पहले वो टेंपल बनाने के पहले वो टेंट ऑफ मीटिंग था। तो ये मैंने फोटो लाया है, ये देखो टेंट ऑफ मीटिंग ने मूसा ने बनाया था। इसके पास आके लोग कुछ गाय बकरों को लेके वो मार डाल के अपना ये पाप माफ हो सकता था। उस काम के लिए तो परमेश्वर को आराधना के लिए टेंट ऑफ मीटिंग ये बनाया था। तो यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से ये गाय को बकरों को मार डाला था, और यहाँ पे हाथ धो रहा था, और ये टेंट के अंदर पहले पाथ पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान ये इसके अंदर सीधा अंदर जाके परम पवित्र स्थान बोलते हैं, परम पवित्र स्थान उसके अंदर किया है। उसके अंदर ये देखो The Ark of the Covenant, ये The Ark of the Covenant, ये तीन पार्ट है, ये स्वर्ग दूत है, ये सोना से बनाया है, ये स्वर्ग दूत ऊपर बना है, उसके बाद ये ढक्कन है, तो उसके अंदर ये बॉक्स के समान ऐसा बनाया है, तो उसके अंदर किया है, आप जानते हैं उसके अंदर किया है। टेन कमेंडमेंट दास आ गया, वो पत्थर दो पत्थर, और ये आरोन का वो स्टेप, और ये मन्ना 40 सालों तक
जंगल में घूमते घूमते हुए वो रोज सुबह मानना खाता था, ये कुछ मानना उसके अंदर रखा है। तो ये बोलते हैं ये आर्क, तो आर्क ऑफ द कवेनेंट, ये एक्सल में एक्टिंग, ये एक्सल में एक्टिंग, वो बोलते हैं डे ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित का दिन, प्रायश्चित का दिन है अटोनमेंट डे, वो ये महान मजाक, महान हाई प्रिस्ट, महान मजाक उस दिन एक्सल में एक दिन उस दिन अंदर जाके वो राहु गाय का राहु लाके उसके ऊपर उसके ऊपर ये ढालते हैं, क्यों, ये लोगों का पाप माफ करने के लिए। इसलिए वो ये धक्कन, ये धक्कन, ये उस ये स्वर्ग दूत के नीचे ये धक्कन, हाँ धक्कन है, ये प्रायश्चित का धक्कन है, प्रायश्चित का धक्कन, ये अटोनमेंट खबर। और कुछ दूसरा वजन में ये बोलते हैं मसे सिट अनुग्रह बैठक, अनुग्रह बैठक, दोनों सेम सेम नेम, क्यों, ये क्यों प्रायश्चित का ढकना बोलते हैं, तो लोगों का पाप माफ करते हैं, तो वो गाय का राहु वो खून ढालते हुए लोगों का पाप माफ करते हैं, तो महान ये महान याजक अंदर आके राहु तो ढालते हुए प्रार्थना करते हैं, तो लोगों का माफ पाप माफ करते हैं। इसलिए यीशु जी हमारा पाप माफ करने के लिए ये प्रायश्चित का काम कर दिया। तो इसलिए ये वचन तो ध्यान से देखो, थोड़ा पढ़ेंगे। प्रायश्चित का अर्थ किए गए गलत कार्य के प्रति संतुष्टि का उल्लेख करता है या इसके लिए संशोधन करता है। एक अपराधी समाज के खिलाफ किए अपराध के दंड का भुगतान करके प्रायश्चित कर सकता है। यीशु मसीह ने मृत्यु की यातना सहकार अभिशाप कीमत चुकाने के द्वारा हमारे पापों का प्रायश्चित किया, जिसने हमारा दोष ने छुटकारा किया। इसलिए ये अटोनमेंट, ये दी आर्क ऑफ कवेनेंट याद करेंगे, थोड़ा आसान हिस्से समझ सकते होंगे। उसके बाद 9 कवेनेंट, वाचा, ये वाचा क्या है, दो व्यक्ति के बीच में करता है, अग्रीमेंट करता है, वो वाचा बोलते हैं। दो या अधिक दलों के बीच एक गंभीर समझौते का उल्लेख करता है। यस, खास करके ये दो लोगों का
समझौता दो लोगों का समझौता है, दो लोगों के बीच में। इसलिए ये भाषा हमेशा भाषा आता है परमेश्वर और लोगों के बीच में वाचा आता है। इसलिए ये परमेश्वर क्या बोलते हैं, ये अब्राहम से, ईसाक से और याकूब से भी बार बार बताते हैं, मुझ में विश्वास रखो, मैं आपको बहुत करूँगा, आशीष दूंगा, रक्षा करूँगा, हमेशा ऐसा ही हुआ था। तो इस समय परमेश्वर ने ये वाचा यीशु के द्वारा बनाया है, यदि हम यीशु में विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर हमको उद्धार करेंगे, तो हमारे लिए मार्ग दिखाएंगे। तो ये बच्चा है, तो इसलिए इस बच्चा के अनुसार तो परमेश्वर और हमारा बीच में बनाया गया। थास ये मेडिएटर, मेडिएटर मध्यस्थता, मध्यस्थता एक पिचावाई का उल्लेख करता है जो दो दलों को एक करता है। यीशु मसीह पापियों एवं और परमेश्वर के बीच मध्यस्थ बन गया। तो मीडिएटर, तो बीच में परमेश्वर बहुत खुश आया है, ये लोगों ने पाप किया है तो मारने के लिए परमेश्वर ने सोचा, लेकिन यीशु जी मध्यस्था बन गया है, तो परमेश्वर से बताता है नहीं नहीं उन लोगों को बचाओ, मैं अपना जीवन दूंगा और ये सभी लोगों को बचाओ, ऐसा ही करके ये मध्यस्थ मीडिएटर बन गया है। और ट्यूटर अभिभावक, ये अभिभावक क्या है देखेंगे, एक प्रशिक्षक का प्रशिक्षक का अर्थ भंडारी या एक दूत है, ये गुलाम या आजाद व्यक्ति का उल्लेख करता है जिसके परिवार के लड़के के देख रेख के लिए प्रतिभात है। एक प्रशिक्षक उन्हें प्रशिक्षित करता था, उनके स्कूल तक उनके साथ जाता था, या कई बार उन्हें उनके घर पर उन्हें निर्देशित करता था। तो ये कुछ लोग अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन ये ट्यूटर प्रशिक्षक उनके बच्चों के साथ रखते हुए तो स्कूल जाने के लिए तो पढ़ने के लिए मदद करते हैं, वो प्रशिक्षक हैं। और ये गवर्नर और मैनेजर, संचालक या प्रबंधक क्या है, एक घर का प्रबंधक, एक भंडारी, एक देख रेख करने वाला है। ये एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख करता है जिसके पास गुलाम या नौकर के पारुबेर के ऊपर अधिकार है, इसलिए ये काम करने वाला। तो उस समय ये ट्यूटर प्रशिक्षक और संचालक प्रबंधक उस समय 2 साल पहले उस जगह में थे, इसलिए इसके बारे में थोड़ा जान के हम ये गलतियों को समझने में थोड़ा आसान होगा, इसलिए ये ध्यान से पढ़िए और रेफरेंस भी पढ़िए तो और अच्छी तरफ से तो समझ में आएगा। तो इसकी तरफ हम पहला सेशन खत्म हो गया, तो दूसरा सेशन करेंगे। थैंक यू।